गुम्बद नगरी विजयपुर शहर में स्थित आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं की ओर से आज अब्दुल रजाक दरगाह में मौजूद सभी जरूरतमंद लोगों में खाना वितरण किया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं का यह कहना है कि विजयपुर शहर में यह पार्टी को पूरे 10 साल हो चुके हैं, इसी के चलते खुशी मनाते हुए वे गरीब लोगों की सहायता के तौर पर इस तरह से फुटकिट वितरण करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए इस पर एक नजर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। बीजापुर शहर में आम आदमी पार्टी का 10 साल का कार्यकाल हुआ, तो 10 साल से आम आदमी पार्टी बीजापुर में आम आदमी पार्टी प्रचार काम कर रही थी, ग्राउंड वर्क कर रही थी, सोशल वर्क कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना होकर 10 साल हुआ बीजापुर शहर में, तो इसीलिए हमारे आम आदमी पार्टी के मुखंड अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता मिला को आम आदमी पार्टी के 10 साल पूरे होने की वजह से सेलिब्रेट करें, खुशी मना रहे। तो हमारा सारे आवाम से यही गुजारिश है हमारी कि जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में विदाउट करप्टेड सरकार चला रही है, जैसा पंजाब में विदाउट करप्टेड सरकार चला रही, उसी लिए सारे कर्नाटक के लोगों से गुजारिश है हमारी कि आप आने वाले असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के सारे बहुमत से सारे MLA को जिता को लाओ और सारे कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में हमारे सारे आम आदमियों की मदद करो। ये सरकार भ्रष्टाचार नहीं है और इसका नॉट करप्टेड है। ये हमारे आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया, जैसा कि कांग्रेस सरकार 70 साल से करप्शन नहीं करी, 2G घोटाला, 4A घोटाला, उसके बाद में BJP आई, BJP को एक बार वोट दिया। मैं सर, आज आप क्या कर रहे हैं, 10 साल हुआ है, आप अभी आप क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी स्थापना होकर 10 साल हुआ, बोलकर हमें खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं खुशी का इजहार? बोले तो जो भी है, जरूरतमंद है, जो भूखे लोग हैं वो लोग को हमारे हैसियत के मुताबिक हम थोड़ा थोड़ा उनको खाना पहुँचा रहे हैं। ऐसा तो किसी को खाना खिलाने की हमारी औकात नहीं है, भगवान उनका रिजक है, उनके साथ में लेकर आए रहते हैं। लेकिन हमारी ये खुशी जाहिर करने का तरीका है कि हम गरीब जो भी ज़रूरतमंद है, अभी किसी को भी गरीब बोलना भी गलत है, ज़रूरतमंद नहीं जो भूखे लोग आए उनको हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तरफ से, सबकी मेहनत है इसमें अध्यक्ष साहब की, हमारे सारे कार्यकर्ता के तरफ से हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि बीजापुर शहर में जो भी भूखे लोग हैं वो आज आम आदमी पार्टी के 10 साल पूरे होने की वजह से हमें हमारी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे भोगेश सर के नेतृत्व में और हमारे नैनापुर साहब के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष कंगनाल साहब की तरफ से ब्लड का डोनेट का भी इंतजाम किया गया था और बहुत से हज़ारों लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया है। तो यही कोशिश है हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि साफ सुथरी राजनीति होना। आपका नाम बोले सर? मोहम्मद यूसुफ। नमस्कार, ना इंदु नम आम आदमी पक्ष स्थापने 10 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ದಶಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 34 ಈ ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ
ಮಸೂದಿ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ತೆರಳಿ ಮಸೂದಿ ಮತ್ತು ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಕೆಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಾಕೆಟನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಹಂಚಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪೂರೈಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ 10 ದಶಕದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಂದು ವಿಜಯಪುರದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಬಿರಾದರ್, ನಗರ ವಕ್ತಾರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು MLA ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. SS News से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल SS News को सब्सक्राइब करें. सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें. अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए SS News.